हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा वेलकम यू अगेन हेयर ऑन माई चैनल जानकारी हित। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एट प्लस वन लेवल। कई बार स्टूडेंट्स इस टॉपिक नू मिस कर जाते हैं प्लस वन लैवल से, उन्होंने भी अगे जाके टॉपिक इशू बनया रहा है। जनरली बुक्स के इस कॉन्टेंट न ओरिजन ऑफ ट्रांजैक्शन जो लेन देन होया उसका आरंभ कितों होया इस नाल संबंधित है, यह टॉपिक कुछ बुक्स के वॉचर्स एंड ट्रांजैक्शन के नाम नाल दिता वे। आओ पहले आप एक गल करते हैं, खुल के गल करते हैं इस चीज़ बारे, ताकि असी कॉन्टेंट नू समझ सकी, परमानेंटली ग्रैब कर सकी। आओ देखिए, जनरली जदों असी कोई खर्च करके आने हैं, पेरेंट्स का पहला ही जवाब होंगे कितने पैसे खर्च किए ने, तुहानू वो जगह दसनी पैंदी है। जे ज़्यादा वड्डा खर्च किया तुसी के मोबाइल लेके आए तो पेरेंट्स होंगे कि इत्थे है, तो पेरेंट्स के लिए जो तुसी वो खर्च किया वो जो दिखाया गया मोबाइल है एक सोर्स है जो तुसी खर्च करके आए उस चीज़ का। हुण एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिथे सारा दिन पैसे का लेन देन होंगे, जेकर उ रिकॉर्डिंग करने वाले जो अकाउंटेंट्स ने इंपलाइज ने वो बिना मतलब तो बिना किसी चीज़ को आधार मने डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस नू रिकॉर्ड करते रहन तो किवें करनगे, पहला तो यह सोचो। जे करते रहनगे तो फ्रॉड्स होणगे, कोई ना कोई बिजनेस लेन देन का जिहड़ा उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के विच रिकॉर्ड करन जा रहे ने उहदा कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। यस, समझ लग गया ना मैं की समझाना चाहना है। वो बेस, वो कागज़ पत्र जो उस ट्रांजैक्शन का आधार ने, जिथों ट्रांजैक्शन आरंभ हुई ओहो ही सोर्स डॉक्यूमेंट्स ने। सोर्स डॉक्यूमेंट नू जिथे पंजाबी असी कहने सोमा दस्तावेज, हिंदी च नू असी कहने स्रोत दस्तावेज। भाई सोमा कहो, स्रोत कहो, सोर्स कहो, मतलब एक ही है। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो अकाउंट्स के बेसिक कॉन्टेंट्स ने उन्हां दे जिहड़े मेन वर्ड्स ने उन्हां नू इंग्लिश समझण की कोशिश करो, क्योंकि तुसी कॉमर्स के स्टूडेंट, असी एक पिंड शहर छोटी जगह के उत्ते नहीं रहना, असी बहुत अगे जाना है, बहुत लंबी उड़ान है। तो उन्होंने टॉपिक्स नू जो तुसी समझना है तो स्पैसीफिकली मैं अकाउंट्स के बारे कहूँगा इंग्लिश समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुसी इंटरनेशनल लैवल के प्लेयर बनन जा रहे हो आने वाले समय के विच, कंप्यूटर नाल जुड़न वाले हो, उत्थे टर्मिनोलॉजी जिहड़ियां ने वो इंग्लिश कॉन्टेंट ही चलते हैं। ट्राई टू डू दिस। तो आप गल करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की, सोमा दस्तावेज होंगे की ने स्टूडेंट्स। जेकर सोर्स डॉक्यूमेंट नू मैं बिल्कुल छोटे तो छोटे शब्दों से लिखन की कोशिश करा, सिंपल लाइन दे विच असी यही कह सकते हैं, इट इज़ अ सच रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग द डिटेल ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस इवेंट। दोबारा, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कॉन्टेन्स द डिटेल ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट। एक जिहा लिखती कागज़ पत्र है, यह दस्तावेज है जिस दे उपर बिजनेस दे किसे भी लेन देन दा डिटेल हुंदा है, ओ ट्रांजैक्शन कदों होई, किन्ने अमाउंट दी होई, किस व्यक्ति नाल होई, इस दे बारे डिटेल्ड एक प्रूफ है जिहड़ा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नू असी जिस उस दस्तावेज नू असी की कहने हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। असी इनू होर इलैबोरेट करन दी कोशिश करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान नाल, सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कॉन्टेन्स द डिटेल ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अ सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्स द की इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ट्रांजैक्शन। व्हाट टाइप ऑफ की इंफॉर्मेशन, सच लाइक नेम ऑफ द पार्टीज, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, अमाउंट इनवॉल्व, वैदर द अमाउंट इज पेड और नॉट पेड। इस सारे दे बारे एक एविडेंस के रूप के जो एक लिखती दस्तावेज है उसनों ही असी सोर्स डॉक्यूमेंट कहने। बिजनेस के विच इन्हां दी जरूरत क्यों पई, उसकी एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं दित्ती सी तुहाडे खर्चे नूं समझते हुए। आपां इहनूं होर समझण की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तुहाडे सामने एक सर्कूलर फ्लो के विच मैं कुछ स्टैप्स दसे ने। बिजनेस जर्नली जिहड़े प्लस वन के स्टार्टिंग के विच स्टूडेंट्स होंदे ने उन्होंने हो सकता ये शब्द कुछ नवें लगन, पर जो ही कंप्लीट होंदा है प्रोसैस उन्होंने समझ लग जाएगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट नूं इहदे नाल क्यों जोड़िया गया सी। बिजनेस दे विच सब तो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होंदे ने, सोमा दस्तावेज।
कोई ट्रांजैक्शन जदों हुई उहदा एक लिखती प्रूफ तैयार किया जाता है उस कागज़ पत्र के उत्ते, उन्होंने असं सोर्स डाकूमेंट कह रहे हैं। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाकूमेंट्स द अकाउंटेंट द परसन और वी कैन से द इंप्लाइज हु आर वर्किंग इन दैट बिजनेस प्रिपेयर द जर्नल्स, जर्नल एंट्रीज करता है। नैक्सट जर्नल तो लैजर्स तैयार किए जाते हैं, लैजर्स तो बिजनेस ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस तो बाद फाइनैशियल स्टेटमेंट्स जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स कहते हैं साल के एंड दे विच तैयार किया जाता है। तो एक गल सोचो कि बिजनेस के सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की जाए असली मूल की है, आधार की है, वह आधार है सोर्स डाकूमेंट। समझ लगी मेरी गल? स्टूडेंट्स जो ये अकाउंटिंग साइकल है ना, ये स्टैप्स भी क्लीयर कर रहे हैं कि ठीक है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बुक्स के रिकॉर्ड करनी शुरू की जाने जर्नल तो, जर्नल दे विच जर्नल एंट्रीज करने वाला जो व्यक्ति है, जो इंप्लाई है, वह किस चीज़ को देख के अकाउंटिंग एंट्री करेगा, उसके सामने कोई ना कोई एक दस्तावेज पेश किया जाएगा, कागज़ पत्र, दैट इज सोर्स डाकूमेंट। उस ट्रांजैक्शन का साधन है वह सोर्स डाकूमेंट। समझ लग गया? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने किसी कैश पे करता, पे किया बिजनेसमैन ने जो किसी दुकान पर बैठा सी, फैक्ट्री सी, फील्ड सी, आके उसने कहा कि मैं 5,000 पे किए ने, हूँ अकाउंटेंट एम ए 5,000 किमें लिख देगा? तो उस हालत दे विच वो बिजनेसमैन आप या उसका इंप्लाई जिसने पैसे खर्च किए ने उस अकाउंटेंट के कोल एक सोर्स डाकूमेंट पेश करेगा कि ये देखो जिन्होंने मैं 5,000 पे किए से उन्हें मैंने रसीट दी है या दूसरा कोई डाकूमेंट दिता है। उस रसीद के नंबर नू देख के, उस रसीट नंबर नू देख के, उसकी डेट देख के अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के विच एंट्री कर देगा। एक दूसरी पिक्चर देखो, जोड़े सोर्स डाकूमेंट ने कंप्यूटर सारे ने पढ़िया हुआ, कंप्यूटर के विच की होंगे इनपुट प्रोसैसिंग एंड आउटपुट, सेम मैं थोड़े सामने इतने तीन चीज़ा दिखाई ने, इनपुट प्रोसैसिंग एंड आउटपुट। इनपुट की ने बिजनेस दे विच किसी ट्रांजैक्शन दे विच रिकॉर्डिंग करने दे लिए जो इनपुट का काम करते हैं वो ने सारे सोर्स डाकूमेंट जो एक एविडेंस होंगे ने किसी भी लेन देन का प्रूफ होंगे ने। फिर बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसते प्रोसैसिंग करता है सारी, जर्नल एंट्रीज तैयार की, लैजर तैयार किया, ट्रायल बैलेंस तैयार किया, तो फाइनली आउटपुट के रूप के फाइनल अकाउंट्स जो फाइनैशियल स्टेटमेंट तैयार करके एट द एंड ऑफ फाइनैशियल ईयर दे देता है। पिक्चर के ध्यान रखो जो प्रोसैसिंग वाला है उसे अकाउंटेंट की जिनी भी प्रोसैसिंग करता है वो डबल एंट्री सिस्टम के जो नियम ने उन्होंने प्रिंसीपल्स को अपलाई करके वो जर्नल, लैजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह तैयार करता है। इस ढंग के नाल असीं सोर्स डाकूमेंट नूं किसी भी बिजनेस दे विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स नूं तैयार करन दा ओरिजन मानते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस चैप्टर नूं असीं ओरिजन ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहने हैं, किसी ट्रांजैक्शन का आधार कितों है, स्टार्टिंग कितों है। इस तो बाद असीं थोड़ा जल्दी जल्दी कॉन्सैप्ट नूं होर क्लीयर करते हैं, फीचर्स ऑफ सोर्स डाकूमेंट, जो सोर्स डाकूमेंट्स ने उहदियां विशेषतावां की ने, रिटन डाकूमेंट हुंदा है, इस तो इलावा यह प्रिपेयर उदों कीता जांदा जदों एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुंदी है किसी बिजनेस दे विच, एक्चुअली इवेंट घटी तो हुंदा है उस टाइम जिहड़े सोर्स डाकूमेंट तैयार किए जाते हैं। इस तो इलावा इहदे उत्ते डेट मैनशन होंगी है, पार्टी का नाम होंगे, हर हरेक सोर्स डाकूमेंट का अपना एक नंबर भी होंगे। इस तो इलावा एक एविडेंस है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जे कि झगड़ा हो जाए तो उत्थे एविडेंस के रूप के सोर्स डाकूमेंट को पेश करते हैं। इस तो इलावा यदि घट्टो घट्ट दो कापियां तैयार की जाए ने, कुछ सोर्स डाकूमेंट्स या तीन कॉपीज़ भी तैयार होंदिया ने ताकि एक दूसरी पार्टी भी दी जा सके, तो एक व्यक्ति को अपनी दे मिनीमम दो कापियां जरूर तैयार की जाए किसी भी सोर्स डाकूमेंट द। जनरली बिजनेस के जिन्हें असी सोर्स डाकूमेंट्स की वरतों करते हैं उन्होंने कैश मेमो है, इनवाइस या बिल जिसनों कहते हैं, इस तो अलावा रसीट, एक है पेन स्लिप, चैक्स, डेबिट नोट, क्रैडिट नोट। इस तो अलावा बिजनेस के लिए जनरली बुक्स के मैनशन नहीं होंगे, एक अलग चैप्टर आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट है, यह भी एज ए सोर्स डाकूमेंट काम करती है बिजनेस किसी ट्रांजैक्शन करन दे विच। सोर्स डाकूमेंट्स के बारे थोड़ा ब्रीफ के डिस्कस करा, कैश मेमो जिसके बारे मैं गल कर रहा, कैश मेमो की है, बिजनेस जदों भी कैश सेल या परचेज होएगी तो उस टाइम जो सोर्स डाकूमेंट तैयार किया जाता है उसको असी कैश मेमो कहते हैं। जदों भी कैश नकद सेल या परचेज होएगी उस टाइम जो सोर्स डाकूमेंट तैयार किया जाता है दैट डाकूमेंट इज़ नॉन एज
कैश मीमो, कैश मीमो दे एक परफॉर्मेंस तुसी ध्यान नाल देखोगे जे तुसी इहदे विच मेंशन की कीता होएगा, जिस बिजनेसमैन ने तैयार किया उस बिजनेसमैन का अपना नाम हुंदा है, डेट हुंदी है, उस कैश मीमो का नंबर हुंदा है, इस तो इलावा उहदे विच जो परचेज जां सेल किया उन्हां दी डिटेल लिखी भी हुंदी है। आओ एक कैश मीमो नूं देखो, थोड़ा मैं इहनूं मूव करके दिखाऊंगा, उहदे अलग अलग हिस्से तुहानूं शो होणगे। पहले एक बिजनेस का कैश मीमो है किसी का स्टूडेंट्स, जिस दे विच सब तो पहला इतने नंबर लिखा हुआ है, उपर दे विच डिटेल जो तुम देखते हो उस बिजनेस का नाम, उन्हों का GST नंबर वगैरह मेंशन किया हो सकता है, शहर का नाम होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। इस तो इलावा जो असी लैफ्ट साइड तो शुरू करते हैं नंबर के नीचे पर्टिकुलरस ने, पर्टिकुलरस के नाल ही डिस्क्रिप्शन, इन पर्टिकुलरस असी जो चीज़ परचेज की जाती है उन्हों का डिटेल लिखा जाता है, किनिया चीज़ा डिस्क्रिप्शन दे विच उस वस्तु का नाम हो सकता है वो लिखा जाता है। इस तो इलावा डिस्क्रिप्शन दे विच जे कोई टैक्स लगता है तो वह भी लिखा जाता है, जिमें इस कैश मीमो च भी दिखाया हुआ है। रेट दे विच उन्हां वस्तुओं के नाम दे अमाउंट आ जाते हैं, किन्ने किन्ने की वो वस्तु है। मान लो इस कैश मीमो दे विच 20 सूट ने 1000 का 120,000 बन गए, सिमिलरली 8 साड़ीज़ ने 1000 की, एक साड़ी का रेट है तो 8000 बन गया, सिमिलरली फिर उसके GST लग्या। इस तो इलावा नीचे उस नू प्रिपेयर करने वाले व्यक्ति दे नाम होंदे, उहदे सिग्नेचर होंदे ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस कैश मीमो दे विच एक नीचे E&OE लिखा हुआ है। यस स्टूडेंट्स, E&OE की होंदा है? बहुत सारे जिहड़े बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ने उसके नीचे लिखा हुआ होंदा है, इसका मतलब है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, जिसनों बच्चों की भाषा कह देने भुल चुक माफ, सेम इत्थे है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, गलती ते भुल की संभावना है। कल कोई व्यक्ति कोर्ट च पेश ना हो जाए कि गलत बनाया गया है तो उत्थे ऑलरेडी मैनशनड होंगे कि चैक कर लो, गलती हो सकती है। ये आम तौर पर जिन्हें भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स ने उत्थे ये टर्म तुहानू देखन नू मिलेगी E&OE। इस बाद जो सैकेंड असी सोर्स डॉक्यूमेंट की मैं गल कर रहा वो है इनवाइस जां उहनूं बिल भी कहिंदे ने। जदों भी कोई बिजनेस दे विच क्रैडिट ट्रांजैक्शन हुंदी है सेल जां परचेज दी, जदों भी खरीदना वेचना हुंदा बट क्रैडिट हुंदा उधार, उस टाइम जो सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है दैट इज नोन एज इनवॉइस और बिल। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप के बिल तैयार किए जाते हैं, दैट इज इनवॉइस एंड बिल जिसका नाम दिया जाता है, उस दे विच डिटेल होंदिया ने, सेम उस तरह उस बिल का एक नंबर हुंदा, डेट हुंदी है, पर्टिकुलर्स हुंदा, डिस्क्रिप्शन हुंदा, सारा अमाउंट हुंदा, टोटल अमाउंट कितना बनया, इस तो इलावा उसनू बनाने वाले दे साइन हुंदे ने। ए बिल जां इनवॉइस उदों तैयार किया जाता स्टूडेंट जदों क्रैडिट ट्रांजैक्शन होवे। तुहाडे सामने मैं एक इनवॉइस जां बिल दा फॉरमेट पेश कर रहा, उहदे विच वी तुहानूं क्लीयर होएगा कि किस तरह के डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, आओ जल्दी जल्दी देखते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बुक डिपू का तुहाडे सामने इनवॉइस जां बिल पेश कर रहा, बुक सैलर है वह किहड़े शहर का है, वह एड्रैस, शहर का नाम, उस तो इलावा किस व्यक्ति नूं वो चीज़ां वेचियां जा रही ने, उस पार्टी का नाम लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते जां सेंटर च आ जाता है उपरले पासे, उस बाद साइड ते दा नंबर भी हुंदा है, डेट भी हुंदी है, जे कोई ऑर्डर नंबर है जिस दे आधार ते बिल तैयार होया, बिजनेसमैन दे ऑर्डर नंबर भी हुंदे ने, वह भी मैनशन हो सकता स्टूडेंट्स जिवें इत्थे दिखाया गया। इस तों बाद इहदे विच क्वांटिटी, पर्टिकुलरस, रेट ते अमाउंट दे कॉलम ने। क्वांटिटी मात्रा होंदी है, पर्टिकुलर डिटेल होंदी है, रेट दे विच केड़ी वस्तु किन्ने दी पई, अमाउंट टोटल अमाउंट किन्ना बनया, जेकर GST वगैरह तां वह भी मैनशन किया जाता है। इस नीचे जिसने इस नूं प्रिपेयर किया जां चैक किया उन्हां दे साइन होंदे ने, ते E&OE तां इहदे विच भी हुंदा स्टूडेंट। जो तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है वो जल्दी देखी, वह है रसीद दा। रसीद, रसीद की हुंदी है? बिजनेस दे विच सिर्फ सेल परचेज नहीं हुंदी, जेकर किसी थर्ड पार्टी नूं किसी भी कारण करके पैसों की पेमेंट की जाती है या पेमेंट रिसीव की जाती है, चाहे वह कैश के रूप हो किसी चैक के नाल पेमेंट रिसीव हुई हो, उस हालत के जो सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसनों असी रसीट, इंग्लिश के पंजाबी हिंदी रसीद का नाम दे दिता जाता है, प्राप्ति रसीद हो सकती है, जे किसी तो पैसे आए ने चाहे नकद हो या चैक द्वारा होवे, उस मैनशन किया होंगे कि चैक द्वारा पेमेंट मिली है या कैश मिली है किसी भी थर्ड पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ट्रेजरी के कोई पेमेंट की, किसी मजदूर को कोई पेमेंट की, उसे सेल परचेज नहीं हुई, कोई फी पे की, कोई ना कोई रसीट जरूर होंगी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਸੱਚ ਸੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਸ, ਜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਆਓ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵਡ ਵਿਦ ਥੈਂਕਸ ਫਰੋਮ, ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਨ ਔਨ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਇਨਵਾਈਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਇਨਵਾਈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਰਸੀਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ। ਆਓ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੂਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 500 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ। ਨੈਕਸਟ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਹੈ ਚੈੱਕ। ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੇ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਚੈੱਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੀ। ਇਹ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਹੈ, ਪੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਪੇ ਟੂ ਸੈਲਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਰੋਸਡ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਪੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੋ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਉਸਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜਸ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ
ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਊਚਰਸ। ਵਾਊਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਊਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਉਹ ਪੇਨ ਸਲਿੱਪ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਸ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਊਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਊਚਰ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੈਬਿਟਿਡ ਐਂਡ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਡ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਊਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੁੱਕਸ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਊਚਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਊਚਰਸ ਨੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰਸ ਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਸ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰਸ। ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਉਹ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਵਾਊਚਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਵੈਨ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਦਾ, ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰਸ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੀਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਵੈਨ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
क्रेडिट वाउचर्स भी तुसी देख रहे हो कि अमाउंट है, वाउचर नंबर दिता हुआ है, डेट है, इस तो इलावा जिवें सेल्स अकाउंट लिखा हुआ, मतलब सेल्स अकाउंट नूं क्रेडिट किया गया जो कैश रिसीव होंदा है। ये तुसी अगे भी पढ़ोगे जो कैश रिसीव हो रहा होंदा उदों सेल्स अकाउंट नूं की करदे ने, क्रेडिट करदे ने। तां क्रेडिट वाउचर्स दे विच जिस अकाउंट नूं क्रेडिट किया जाना उहदा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ वाउचर है कैश वाउचर तो इलावा, वो ने नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स वो डॉक्यूमेंट्स ने, ये उदों प्रिपेयर किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जो बिजनेस के विच कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंदी है, भाव क्रैडिट ट्रांजैक्शन है बिजनेस के विच, जिस ट्रांजैक्शन के कारण कैश रिसीव नहीं हो रहा, उस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए जोड़ा वाउचर तैयार किया जाता है उन्हों असी कहने नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स। तो नॉन कैश वाउचर है ये कदों कदों ये बनाने की जरूरत महसूस होती है बिजनेस के जो कोई क्रैडिट सेल होवे, क्रैडिट परचेज होवे, किसी कस्टमर ने गुड्स वापिस करती होन या किसी कस्टमर सप्लायर नू या किसी सप्लायर नू गुड्स वापिस करती होन, इस तो इलावा कोई क्रैडिट सेल की इन्वेस्टमेंट की किसी भी टाइप की क्रैडिट ट्रांजैक्शन, डेप्रीशिएशन चार्ज की किसी एसेट के उत्ते, कोई रेक्टिफिकेशन की है जिथे कैश इनवॉल्व नहीं, उस सारी ट्रांजैक्शन के नाल रिलेटेड जो वाउचर तैयार किया जाता है उसनों असी नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। ये भी सेम डिटेल लिखी होंगी है। इस नॉन कैश वाउचर का परफॉर्मा भी तुसी देख रहे हो, इस दे विच भी पहला उपर जिस पार्टी ने यह या जिस बिजनेस ने तैयार करना है उस बिजनेस का एड्रैस लिखा हुआ है, फिर वाउचर नंबर, डेट, इस तो इलावा डेबिट जिस अकाउंट नूं कीता गया। मान लो इस अकाउंट दे विच देखन तो लग रहा है कि मशीनरी क्रैडिट परचेज की गई सी, तां मशीनरी अकाउंट डेबिट किया गया तो उस पार्टी का नाम क्रैडिट किया गया जिस तों परचेज की गई है। एक गल तो साफ है कि वाउचर्स के विच असी डिसाइड करना होंदा है फाइनल डिसीजन किसनों डेबिट करना है किसनों क्रैडिट। फाइनली स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिहड़ियां बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होंदियां ने जिस दे बारे प्लस वन दे विच डिटेल पढ़ाया जाता है, उहदे विच कीड़ी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का किहड़ा सोर्स डाकूमेंट होंदा है। कैश बुक का जो सोर्स डाकूमेंट होंदा है वह कैश मेमो होंदा है या कैश वाउचर कहिंदे ने, या इस तों इलावा कोई बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होंदी है तां कैश बुक जिहड़ी ट्रिपल कॉलम कैश बुक होंदी है उस टाइम जिहड़ी बैंक स्टेटमेंट है वह भी एक सोर्स डाकूमेंट के रूप के विच कैश बुक के लिए काम करती है। इस तो इलावा स्टूडेंट्स जिहड़ा परचेज बुक है, परचेज बुक के लिए जो सोर्स डाकूमेंट है वह इनवाइस बिल या इसनों इनवर्ड इनवाइस का नाम दिता जाता है। इस तो इलावा सेल्स बुक के लिए जो सोर्स डाकूमेंट है वह भी इनवाइस या बिल होंदा है। इस तो इहनूं असी आउटवर्ड इनवाइस का नाम भी दे सकते हैं। इस तो इलावा एक सबसिडरी बुक्स या ओरिजिनल एंट्री बुक होंदी है ए सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का जिहड़ा सोर्स डाकूमेंट होंदे ने वह क्रैडिट नोट जो इशू किया जाता है वह होंदा है या जो डेबिट नोट रिसीव होंदा है, ये दोनों के विचों कोई भी एक सोर्स डाकूमेंट के रूप से काम करता है सेल्स रिटर्न बुक के लिए। इस तरह स्टूडेंट्स जो परचेज रिटर्न बुक है उहदे विच जां तां डेबिट नोट जो इशू किया जाए वह या जो क्रैडिट नोट रिसीव होवे, ये दोनों चो कोई भी एक डाकूमेंट सोर्स डाकूमेंट काम करता है। इस तो इलावा जो जर्नल प्रॉपर है जिस दे विच क्रैडिट ट्रांजैक्शन लिखिया जांदियां ने उहदे विच जो भी ट्रांसफर वाउचर्स ने वह सारे एज ए सोर्स डाकूमेंट या बेसिक डाकूमेंट्स के रूप दे विच काम करते हैं। स्टूडेंट्स ये सारिया वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ने जिन्हां दे विच इन्हां डिफरेंट सोर्स डाकूमेंट के बेस के उत्ते अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिहड़ियां बुक्स ऑफ अकाउंट ने उन्हां नूं तैयार किया जाता है। जो स्टूडेंट्स अपने आप दे जी एक कंप्लीट चैप्टर से असी एक कंप्लीट पीरियड के विच समझो पूरा चैप्टर कंप्लीट करता, ट्रांजैक्शंस या ओरिजन ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शन का कंप्लीट चैप्टर है जिस दे बेस दे उत्ते बिजनेस दे विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कीतियां जांदियां ने जिन्हां नूं असीं सोर्स डाकूमेंट्स कहिंदे आ। सोर्स डाकूमेंट्स दे बेस दे उत्ते वाउचर्स तैयार होंदे ने, वाउचर्स दे बेस दे उत्ते अगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे विच एंट्री कर ली जांदी है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कंसैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। जेकर कुछ क्लीयर नहीं तुसीं वीडियो दे उस हिस्से नूं जाके दोबारा देखो या मैनूं मैसेज करो नीचे कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर। इस चैनल दे ऑलरेडी बहुत सारियां वीडियोज़ ने, उन्हां वीडियोज़ नूं देखो, आने वाली वीडियोज़ का इंतजार करो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।